ओके गुड ओके गुड मॉर्निंग टू ऑल मॉर्निंग ऑफ टू ऑल ऑफ यू। यू। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग सर। ओके सो वी वर डूइंग कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन में मैंने लास्ट टाइम किया था व्हाई देयर इज फ्रिक्शन। देयर वर टू थियरीज, हिल्स एंड डिल्स थियरी, दैट वाज फर्स्ट वन, एंड सेकंड वाज, व्हाट वाज सेकंड वन? मॉलिक्यूलर थियरी। सेकेंड वॉज मॉलिक्यूलर थियरी। लीव अराउंड 10 लाइन्स, अराउंड 10 लाइन्स से छोड़ दो। उसका डायग्राम बनाया था कि नहीं बच्चों? डायग्राम बनाया था स्टूडेंट? यस सर। ओके नाउ राइट डाउन द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ फ्रिक्शन? व्हाट आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ फ्रिक्शन? What are different kinds of friction? Okay, अब सुनो मेरी बात ध्यान से। मेरी बात ध्यान से सुनो। I'm going to ask straight away. Explain, I'll ask. इसलिए be careful. Anything can come to anyone. देखो ये ब्लॉक है। ब्लॉक में मैंने फोर्स अप्लाई किया लेकिन ब्लॉक इज एट रेस्ट। यहाँ पे फोर्स अप्लाई किया, ब्लॉक स्टार्टेड मूविंग। एंड इफ यहाँ पे फोर्स अप्लाई किया एंड दिस बॉडी इज व्हाट, जैसे सिलेंडर है, स्फीयर है, व्हाट इट विल स्टार्ट रोलिंग। प्लीज अंडरस्टैंड वन थिंग, यहाँ पे मैं फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ लेकिन फ्रिक्शन इज सफिशियंट दैट इट इज नॉट अलाउिंग द बॉडी टू मूव। यहाँ पे फ्रिक्शन इज नॉट सफिशियंट एंड अल्टीमेटली व्हाट हैपेंस, द बॉडी स्टार्ट्स मूविंग। और यहां पे कुछ फोर्स अप्लाई किया P3 सो दैट इट स्टार्ट्स रोलिंग। नाउ मुझे एक बात बताओ, दिस बॉडी इज एट रेस्ट, तो रिमेंबर। अच्छा एक और बात बताओ मुझे, देखो मैं किसी बॉडी को आपने धक्का मार दिया समझो और वो बॉडी चलना चालू कर दी, तो क्या लाइफ टाइम चलती ही रहेगी वो? क्यों रुकेगी कभी ना कभी? तो वो रुकेगी 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 कौन रोकता है उसको? एनीवन? यहां पे तो फ्रिक्शन रोक देता है, इधर भी फ्रिक्शन ही रोकता है, इधर भी फ्रिक्शन ही रुकता है, और यहाँ पे भी रोलिंग बॉडी भी। क्या एक बार रोल किया तो थोड़ी लाइफ टाइम रोल करती चली जाएगी? नो, उसको भी रेस्ट पे आना पड़ता है और उसको भी रुकता है फ्रिक्शन। बट दिस फ्रिक्शन आर एक्टिंग इन डिफरेंट कंडीशंस। दिस फ्रिक्शन इज एक्टिंग विद द बॉडी जेट रेस्ट। इसको बोलते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन, इसको बोलते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। यहाँ पे जो फ्रिक्शन है वो अपोज किसको कर रहा है? अपोज किसको कर रहा है सर? फोर्स को? नहीं, फोर्स को नहीं, मूविंग बॉडी को अपोज कर रहा है, तो उसको बोलते हैं काइनेटिक और स्लाइडिंग फ्रिक्शन। यहाँ पे रेस्ट वाली बॉडी को, यहाँ पे मूविंग बॉडी को, तो काइनेटिक और स्लाइडिंग फ्रिक्शन। और यहाँ पे कौन सी बॉडी को अपोज कर रहा है? यहाँ पे जो फ्रिक्शन है वो कौन सी बॉडी को अपोज कर रहा है? रोलिंग फ्रिक्शन, इसको बोलते हैं रोलिंग फ्रिक्शन। तो मुझे मुझे मास बताओ कितने टाइप ऑफ फ्रिक्शन हुए? मास बच्चे, मास मास भी वही हो गया क्या? ओम मास इक्वल टू ओम। रोशनी? यस सर। कितने टाइप ऑफ फ्रिक्शन? 3 टाइप ऑफ फ्रिक्शन। What are those 3 types of friction? Static friction, kinetic and rolling friction. First khatam. The force of friction which opposes the motion of a body at rest is called static friction. The force of friction which opposes the motion of a sliding body is called kinetic or sliding friction. And the force of friction which opposes the motion of a rolling body is called rolling friction. I'm sure it is simple. I hope it's clear to everyone. Yes, sir. Is it clear to everyone?
बार्गेश बार्गेश रोलिंग फ्रिक्शन क्या होता है? सर द फोर्स अपोजिंग द बॉडी विच इज इन अ रोलिंग मोशन इज कॉल्ड रोलिंग फ्रिक्शन। बस 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 तू चलो फटाफट लिखो फटाफट लिखो राइट डाउन। वी कम अक्रॉस थ्री टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन इसको डायनेमिक फ्रिक्शन भी बोलते हैं। We come across three types of friction. First, number one, static friction. Number two, kinetic or sliding or dynamic friction. And number three, rolling friction. Number three is rolling friction. आज कौन है अभी तक नहीं आई है? Thank you. नंबर थ्री रोलिंग फ्रिक्शन और फिर टाइटल लिखो नंबर वन स्टैटिक फ्रिक्शन उसमें लिखो द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन विच अपोजेस द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन विच अपोजेस द विच अपोजेस द motion of a body at rest which opposes the motion of a body at rest is called static friction. Number two, title khali kinetic friction likho kinetic friction. The force of friction which opposes the motion of a sliding body. The force of friction which opposes the motion of a sliding body is called kinetic friction. It's called kinetic friction. And number three, rolling friction. इसमें लिखो the force of friction which opposes the motion of a rolling body is called ठीक है is called rolling friction. क्या बोला? कैन यू रिपीट लास्ट वन? लास्ट वन कौन सा? रोलिंग ना? यस सर। द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन विच अपोजेस द मोशन ऑफ अ रोलिंग बॉडी इज कॉल्ड रोलिंग फ्रिक्शन। अगला क्वेश्चन लिखो एक क्वेश्चन लिखो अगला एक्सप्लेन व्हाई ये लिख डालो एक्सप्लेन व्हाई स्टैटिक फ्रिक्शन ग्रेटर देन काइनेटिक फ्रिक्शन ग्रेटर देन रोलिंग फ्रिक्शन। ओम आर यू देयर? से यस नो। ओम यस सर। मुझे बता तीन काइंड ऑफ फ्रिक्शन कौन से हैं? Static friction, kinetic friction, rolling friction. That is right. Mars, good morning. Are you there? Mars? Yes, sir. तो क्यों पहले आंसर नहीं दे रहा था? सर आपने पूछे थे।
ऑफ कोर्स मास 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 चिल्ला रहा था मैं बोला क्या टारगेट टारगेट ढूंढ रहा था ओके अब देखो क्वेश्चन इज व्हाई स्टैटिक फ्रिक्शन ग्रेटर देन इसका कोई साइंटिफिक आंसर नहीं है अपना कोई कॉमन एक्सपीरियंस है वही बता रहे हैं देखो क्या होता है व्हेन बॉडी इज एट रेस्ट इट इज आवर कॉमन एक्सपीरियंस इट इज आवर कॉमन एक्सपीरियंस दैट टू स्टार्ट अ मोशन वी हैव टू अप्लाई अ लार्जर फोर्स बॉडी रेस्ट पे है ना तो पहला धक्का मारने के लिए बहुत ज्यादा फोर्स लगाना पड़ता है लेकिन वंस द मोशन स्टार्ट्स इट कैन बी मेंटेन्ड बाय कंपैरेटिवली स्मॉलर फोर्स यू एग्री पहली बार बॉडी को पुश करने के लिए थोड़ा ज्यादा फोर्स लगाओ लेकिन एक बार मोशन चालू हो गया तो धीमे धीमे आराम से थोड़ा कम फोर्स लगा के भी चलती रहती है इज दैट राइट और रॉन्ग इज दैट राइट और रॉन्ग आई एम आस्किंग दिस क्वेश्चन पहली पहली बार बॉडी को धक्का मारने के लिए यू टू अप्लाई लिटिल लार्जर फोर्स लेकिन एक बार बॉडी मोशन स्टार्ट कर दिया तो फिर धीमे धीमे कम फोर्स से भी चला सकते हैं उसको ऑल ऑफ यू एग्री यस सर अच्छा मुझे एक बताओ जब बॉडी रेस्ट पे थी तो कौन सा फ्रिक्शन था उसका कौन सा फ्रिक्शन अपोज कर रहा था उसको स्टार्ट कराने के लिए स्टैटिक और एक बार चालू हो गया मोशन तो कौन सा फ्रिक्शन है जब चालू हो गया मोशन तो कौन सा काइनेटिक और रोलिंग का तो बहुत अच्छा है मुझे एक बात बताओ सपोज आपको एक कमरे में बोलो एक ब्लॉक को खिसकाना है और एक रोलर को खिसकाना है यहाँ से यहाँ विच वन यू प्रीफर ब्लॉक को धक्का मार मार के वहां ले जाना रोलर को ले जाना है किसको प्रीफर करोगे आप सर रोलर रोलर यू नो व्हाई बिकॉज वंस द रोलिंग मोशन स्टार्ट्स It can be maintained by very small force. And tell me, rolling, ke time pe kaun sa friction oppose kar raha hai usko? Rolling, body roll hoti hai, to kaun sa friction rehta hai uske beech mein? Roller aur uske beech mein, surface ke beech mein. Rolling friction. Rolling friction, that means rolling friction is the smallest. This is the only reason vehicles are mounted on wheels. Kabhi bhi vehicle ko स्मॉलेस्ट ओनली फॉर दिस रीजन Vehicles are mounted on wheels, circular rolling, जिससे roll हो body. तो मैं एक कम करूं, around इसके answer की around 10 line छोड़ दो ना, 10 line छोड़ दो, मैं इसको photo भेजूंगा, फिर copy कर लेना. How is that idea? Exactly जो मैं बोला वैसा ही answer मिलेगा. देखो मैं read कर लेता हूँ answer. It is our common experience that to produce motion, we have to apply larger force. But once the sliding motion starts, a smaller force is sufficient to keep the body in motion. Thus, kinetic friction is smaller than static friction. It khatam ho gaya pehli wali baat. Number two, when one body rolls over the other, friction between them is called rolling friction. Friction between them is called rolling. Once the rolling motion starts, it can be maintained by anybody. What will I write? It can be maintained by once the rolling motion starts. It can be maintained by small amount of force. Very small force, right? This shows that rolling friction is very, very small compared to kya likhu? Anyone? So kinetic and static. Yeah, that is right. Static and kinetic friction, and it is for this reason. Kya likha hoga? Maine batao. Ye vehicle hai. It is for this reason vehicles are mounted on ये क्या है दोनों क्या है wheels mounted on wheels बस इतना लिखना है तो इतनी जगह छोड़ दो around 10 lines छोड़ दो मैं इसका फोटो खींच के भेज दूंगा और उसके बाद में all of you come to page number अरे यार मेरा तो page number differ हो रहा होगा एक question है state the laws of static question लिखो state the laws of static friction State the laws of static friction. ये वाला लिखो
state the laws of static friction. State the laws of static friction. Idhar page number dhoondo sab log kaun se page pe hain bachcho pyare bachcho page number 225. Who is friend of Conan Qureshi? Uski koi friend hai Roshni? Yes, Roshni, jara usko ho sake to contact karo. Kya chupi hui hai wo? Aur Prisha ki kaun friend hai? Anybody? Vidhi? Vidhi? Yes, sir. वो कॉल प्रिशा ना वो भी नहीं आई क्या मालूम क्या कर रहे सो रहे सुबह क्या है ओके मुझे स्टेट द लॉज ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन मिला सभी को पेज नंबर कितना बोला बेटा सर 225 जरा रीड करो नहीं नहीं एक मिनट बताता हूँ पहला लॉ तो मैं बताता हूँ तुम लोग बोलोगे कि क्या है ये बॉडी रेस्ट पे है कौन सा फ्रिक्शन है ये बॉडी रेस्ट पे है कौन सा फ्रिक्शन है स्टैटिक फ्रिक्शन और इसको क्या बोलते हैं इनको द फोर्स ऑफ रिएक्शन नो नॉट रिएक्शन प्रॉपर वर्ड क्या है इट्स अ नॉर्मल रिएक्शन नॉर्मल रिएक्शन यू नो साइंटिस्ट लोगों ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए और अल्टीमेटली जैसे जैसे ये बढ़ता है वैसे वैसे ये बढ़ता है तो रिमेंबर अगर ऐसा होगा तो बॉडी का नॉर्मल रिएक्शन कैसा होगा एनीबॉडी कैन टेल मी व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल रिएक्शन वेट तो ऐसे ही रहेगा वेट नॉर्मल रिएक्शन कैसा होगा एनीवन नॉर्मल यानी परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर टू द सर्फेस यहाँ पे सर्फेस ऐसी थी तो नॉर्मल ऐसा था तो यहाँ पे रिमेंबर normal reaction will be like this such that angle made by this will be 90 degrees isko bolte hain normal reaction agar surface aisi hoti hai you suppose vertical surface aur yahan pe rakha hai block everybody can tell me how will be normal reaction wait idhar abhi how is the normal reaction sir perpendicular to the surface so left hand side mein jayega block yahan pe can you see n and w ye cannot balance this एंड देयरफॉर कभी भी बॉडी को वर्टिकल तो धम करके गिर जाती है यहाँ पे गिरती क्यों नहीं है क्योंकि वो संभाल लेता है नॉर्मल रिएक्शन डज नॉट बैलेंस द वेट ऑफ द बॉडी नॉर्मल वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है नॉर्मल वर्ड को बहुत इंपॉर्टेंस देना तो ये बढ़ता है तो ये भी बढ़ता है ये घटता है तो ये भी घटता है क्या है रिलेशन बिटवीन द टू एनीबॉडी एनीबॉडी डायरेक्टली क्या लिखूं सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल That's it. Khatam. That is the first law. So read karo Jitu. Oh Jitu. Yes sir. Read first law. The limited force of static friction is directly proportional to the normal reaction between two surfaces in contact. And therefore, Fs is directly proportional to N, and therefore Fs equal to mu into N. इधर म्यू एस लिख देते हैं म्यू एस क्या होगा एनीबॉडी कैन टेल मी व्हाट मस्ट बी दिस सफिक्स एस मींस म्यू का मतलब तो अब तो पता है व्हाट इज म्यू का मतलब लास्ट टाइम बताया था मैंने व्हाट इज दिस अरे म्यू का मतलब बताया था ना अरे म्यू क्या था लास्ट लेक्चर में लिखाया भी था मैंने विधि म्यू क्या था व्हाट इज म्यू इंडिपेंडेंट ऑफ द अपेरेंट एरिया बिटवीन द सरफेस इन कॉन्टेक्ट सो लॉन्ग एज द नॉर्मल रिएक्शन रिमेंस द सेम ये मतलब क्या मालूम है मैं आपको समझाता हूँ एक छोटा सा ब्लॉक लिया 5 किलो का इसका वेट है 5 किलो यानी लेट अस से 50 न्यूटन mg जी को 10 पकड़ा दो और फिर उस 5 किलो का ही एक इसका वेट 5 किलो है
टेल मी इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है दोनों के बीच में. यहाँ पे कहने से एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट इज स्मॉल, यहाँ पे एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट इज लार्ज. टेल मी एग्री. दोनों का वेट 5 किलो है, 50 न्यूटन. नॉर्मल रिएक्शन विल बी सेम, नॉर्मल रिएक्शन विल बी 50. रिमेंबर क्या पता चला बोलो मैं, यहाँ पे अगर फ्रिक्शन इज 10 न्यूटन तो यहाँ पे भी फ्रिक्शन इज 10 न्यूटन ओनली. फ्रिक्शन इज 10 न्यूटन ओनली, ये 10 न्यूटन तो ये भी 10 न्यूटन. इसका क्या ज्यादा है, इसका क्या ज्यादा है, इसके और इसके बीच में क्या डिफरेंस है बिटवीन टू सरफेस एरिया कॉन्टेक्ट. एरिया तो मतलब एरिया ज्यादा होने दो कम होने दो, फ्रिक्शन डज नॉट डिपेंड अपॉन द एरिया ऑफ सर्फेस इन कॉन्टेक्ट सो लॉन्ग एज द नॉर्मल रिएक्शन इज द सेम. यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन 50 न्यूटन था, यहाँ भी 50 न्यूटन है, यहाँ पे एरिया ज्यादा यहाँ पे एरिया कम, तो भी फ्रिक्शन की वैल्यू सेम होती है. फ्रिक्शन की वैल्यू सेम होती है. मुझे आलोक, ओ आलोक, आलोक से यस सर. आलोक बेटा फर्स्ट लॉ क्या था, फर्स्ट लॉ और फर्स्ट लॉ सर विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन. ये क्या है, व्हाट इज एफएस मीन. हेलो फ्रिक्शन सर. नो प्रॉपर वर्ड, फ्रिक्शन तो है लेकिन प्रॉपर वर्ड सर फ्रिक्शन. विच फ्रिक्शन सर. स्टैटिक फ्रिक्शन. स्टैटिक फ्रिक्शन यस गुड. अच्छा मास, सेकेंड लॉ क्या कहते हैं, मास सेकेंड लॉ क्या कहते हैं, फ्रिक्शन. फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ व्हाट सर, एरिया इन कॉन्टेक्ट, एरिया ऑफ सरफेस इन कॉन्टेक्ट. अच्छा कोई कॉमन थिंग से बता सकते हैं कि फ्रिक्शन ज्यादा कब होगा और कम कब होगा, एनीबडी अपने ओन वर्ड्स में सोच के बोलो कि सर ऐसा होगा तो फ्रिक्शन ज्यादा होगा, ऐसा होगा तो फ्रिक्शन कम होगा. क्या होगा ऐसा कि फ्रिक्शन ज्यादा हो जाता है और ऐसा क्या होता है कि फ्रिक्शन कम हो जाता है. Who can tell me that? Wrong answer भी चलेगा, wrong answers are also welcome. भार्गव सर, जब नॉर्मल रिएक्शन सर इंक्रीज होता है तो फ्रिक्शन इंक्रीज होता है. That's a good answer. That's a good answer. वो तो हो गया अपना फर्स्ट लॉ में. वो तो फर्स्ट लॉ हो गया. मुझे कोई और बात बताओ. भार्गव, what do you think? फ्रिक्शन ज्यादा करने के लिए क्या करने का कि फ्रिक्शन ज्यादा हो जाए, और फ्रिक्शन कम करने के लिए क्या करने का कि फ्रिक्शन कम हो जाए. So nature of surface. That is right. अरे यार स्मूथ सरफेस होगी ना, अगर दो सरफेस मस्त स्मूथ होगी तो वहां पे फ्रिक्शन ज्यादा होगा या कम होगा. और फ्रिक्शन रफ हो गया था, दोनों सरफेस रफ होगी और रख दिया एक दूसरे के ऊपर तो फ्रिक्शन क्या होगा, ज्यादा होगा. तो रिमेंबर वन थिंग, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ सरफेसेस इन कॉन्टैक्ट. दिस इज लॉ नंबर 3. रीड करो जीतू. ओ जीतू. So the limiting force of friction depends upon material in contact and the nature of their surfaces. बस खाली इतना लिखो कि it depends only on the surface of contact, nature of surface of contact. खलास. तो ये इसकी जगह छोड़ो, जगह छोड़ो जगह. छोड़ी जगह. I am going to ask you. मैं बोलूँगा first law बोल, तो आपको सीधा बोलना आएगा. Static force of friction is directly proportional to normal direction. Second law बोल, तो बोलने का force of friction does not depend upon the area of surfaces in contact. Third law बोल, force of friction depends only on, मैं भूल गया. So nature of surface. That nature of surface in contact. चलो अगला question लिखो. जगह छोड़ो इसकी और अगला. State the laws of kinetic friction. जगह छोड़ के लिखो. State the laws of kinetic friction. Page number कितने पे है ये वो भी? So same page. सेम पिच पे. और कितने लॉ दिख रहे हैं वहां पे? फोर्थ लॉ. तो यहाँ पे फोर्थ लॉ है ना, यू हैव टू डायरेक्टली लर्न बाय हार्ट. उसके बारे में दिमाग नहीं लगाना है, मैं आपको समझा दूंगा. पहले 3 लॉ तो बहुत इजी है. ओके फर्स्ट लॉ बोल.
So the force of kinetic friction is directly proportional to the normal reaction between two surfaces in contact. And therefore, Fk is directly proportional to N. And therefore, Fk equal to mu k. Mu k kya hoga? Anybody can tell me on your own? What must be mu k? Coefficient of kinetic friction. Lovely answer. Okay. Second law ball. Jitu. So the force of kinetic friction is independent of the shape and apparent area of the surface in contact. अरे शेप खाली ऐड कर देना कुछ नहीं मेनली एरिया ऑफ सरफेस इन कांटेक्ट ओके वो भी सेम है इसके खाली इसमें वर्ड शेप ऐड कर देना नंबर 3 द फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन डिपेंड्स अपॉन द नेचर एंड द मटेरियल ऑफ द सरफेस इन कांटेक्ट एग्जैक्टली सेम फोर्थ लॉ है ना थोड़ा पता नहीं वो रिलेटिव वेलोसिटी मतलब क्या मालूम है एक्चुअली मोशन हो रहा होगा तो एक बॉडी रेस्ट पे होगी दूसरी चल रही होगी ऑलराइट रिलेटिव मोशन उसको बोलते हैं रिलेटिव मोशन बिटवीन द टू नाउ एक सपोज बॉडी बहुत फास्ट चल रही है तो स्लो चल रही है उसके ऊपर काइनेटिक फ्रिक्शन डिपेंड करता है कि इट शुड नॉट बी लाइक द टू स्मॉल नॉर रिलेटिव मोशन शुड बी टू लार्ज तो जरा पढ़ो बेटा फोर्थ लॉ सो द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन इज डिपेंड ऑन ऑफ द रिलेटिव वेलोसिटी बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द सरफेस प्रोवाइडेड दैट द रिलेटिव वेलोसिटी इज नेदर टू लार्ज नॉर टू स्मॉल बस नाइदर टू लार्ज नॉर टू स्मॉल मतलब रिलेटिव वेलोसिटी ना बहुत ज्यादा भी नहीं होनी चाहिए बहुत कम भी नहीं होनी चाहिए ऑलराइट तो इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी देन इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी ओनली कंडीशन इज रिलेटिव वेलोसिटी बिटवीन द टू सर्फेसिस शुड नॉट बी टू लार्ज नॉर टू स्मॉल ये जरा उधर लिख दो ना एल बी एच मतलब लर्न बाय हार्ट कर डालना इसको ऑलराइट देन आ जाओ सीधा मैं बताऊं इसके बाद सीधा आ जाओ इसके बाद सीधा आ जाओ इसमें क्यों नहीं लिखा मालूम नहीं स्टेट द लॉज ऑफ रोलिंग फ्रिक्शन लिखो स्टेट द लॉज ऑफ रोलिंग फ्रिक्शन रोलिंग फ्रिक्शन में भी सेम मार देना All right, उसकी जगह छोड़ दो खाली हर जगह रोलिंग कर देना All right? अच्छा फिर बाद में कैन यू सी क्वेश्चन 96 yes, sir. उसमें खाली क्वेश्चन 96 सेम मत लिखो ऐसे लिखो डिफाइन नंबर वन coefficient of static friction number 2 or number 3 kya hoga aapko pata hai number 2 kya hoga kinetic friction aur number 3 kya hoga rolling friction lekin coefficient bhi bol sath mein coefficient of static coefficient of kinetic and coefficient of rolling friction लिखा नो सर राइटिंग अरे विधि रोशनी कांटेक्ट हुआ क्या कोनेन का तो कोनेन इज नॉट आंसरिंग यस लिख दे दो अच्छा मुझे एक बात बताओ ना यार ये मैं भूल जाता हूँ मुझे कौन बताएगा स्टैटिक फ्रिक्शन इक्वल टू क्या इनटू क्या लिखा था मैंने यहाँ पे मैंने क्या लिखा था सो हमने कहा
So new status. Mu s. Mu s. Therefore, anybody can tell me what must be mu s ka formula? Mu s ka formula. F l upon n. F l e f s n. F s upon n. Anybody can tell me the definition of set coefficient of static friction on your own, as per this formula. As per this formula. As per this formula, कोई बताएगा क्या लिखूं definition? Coefficient of static friction is defined as. आगे बताओ क्या लिखूं? Is defined as. आगे बताओ क्या लिखूं? अरे बोल ना यार. Wrong answer sir. Welcome. अरे इसको देख देख के बोल रहा है. The ratio of limiting force of friction to normal reaction. Yeah, right answer है. एकदम right है. खाली लिमिटिंग फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बोलने का बस लिमिटिंग फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन टू द क्योंकि कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक है म्यू के क्या आएगा म्यू के एफ के बाय एन म्यू आर क्या आएगा बताओ एफ आर बाय एन है कि नहीं हसन मैं पहला लिख रहा हूँ लिखो पहला लिख रहा हूँ तुम्हें पार्ट लो यार आई वुड लव इफ यू स्टार्ट स्पीकिंग रॉन्ग 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 भी चलेगा मेरे को ऐसे लिखो Coefficient of static friction is defined as the ratio of इतना लिखो is defined as the ratio of limiting force of static friction limiting word लिखोगे तो ज्यादा अच्छा है क्योंकि हमारी सारी condition limiting वाली होगी limiting force of static friction to the normal reaction. हाँ लिखा तो the normal reaction तक लिखा गया Yes, no, तो बोल यार यस नो तो बोलो यस सर सर ओके बाकी दो के लिए जगह छोड़ो बाकी दो के लिए जगह छोड़ दो अच्छा अभी है ना कैन यू सी ए क्वेश्चन स्टेट एडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन यस सर फ्रिक्शन के एडवांटेज क्या है फ्रिक्शन के डिसएडवांटेज क्या है बहन आपको बताता हूं एक बात है ना पहले एकदम कॉमन सेंस से सपोज ये पेड़ है और ये यहां पे नारियल लटके हुए हैं और ऑब्वियसली आपको करना क्या होगा बताओ और यू हैव नो इक्विपमेंट है आपको खुद ही चढ़ना है तो आप क्या करेंगे बोलो यहाँ पे चढ़ने चालू करेंगे टपक 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 ऊपर तक जाएंगे और फिर नारियल तोड़ेंगे अरे हाँ या ना तो बोलो बराबर है कैसे ही करोगे कि नहीं yes, sir, yes, sir. अच्छा अब इमेजिन अ सिचुएशन कि ये पूरा का पूरा स्लिपरी बना दो एकदम स्लिपरी है ना एकदम मस्त चिकना एकदम तेल वेल डाल के इतना चिकना बना दिया है कि आपका हाथ फिसल जाए मतलब जरा भी चढ़े तो फिसलन मुझे एक बात बताओ विल यू बी एबल टू क्लाइम क्या ऊपर चढ़ पाओगे वहां तक पूरा फिसलन आपके भी शरीर पे तेल लगा दिया है और बोले चढ़ जाओ ऊपर बेटा सूली पे तो आप जाएंगे ऊपर की नहीं What is the reason? फ्रिक्शन ही नहीं है तो बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन कितना अच्छा है कि जो ये स्टेम रहता है वो रफ रहता है तो हम लोग पट 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 ऊपर चढ़ जाते हैं जस्ट इमेजिन अगर ये स्मूथ होता तो लाइफ में कभी ऊपर चढ़ नहीं पाते सिमिलरली यू नो हम लोग को बोला चलो वॉक करो एकदम स्लिपरी सरफेस पे वॉक करने को बोलो विल यू बी एबल टू वॉक कि तुम पीछे पीछे खिसकते जाओगे स्लिपरी सरफेस पे वॉक इज पॉसिबल और नॉट
No, sir. Not possible. It's good that surfaces are rough so that you know friction का advantage लेके हम लोग चलते जाते हैं. हम लोग ये pen भी मैंने पकड़ के रखे हैं ना because of friction. अगर friction नहीं होता ना तो pen हाथ से slip होता, सीधा slip हो जाता. तो friction के advantage भी हैं लेकिन disadvantage भी हैं. तो बेटा जीतू. Yes sir. Advantages पढ़ो और disadvantages दोनों पढ़ो. Yes sir. So, advantages of friction, we can walk due to friction between ground and feet, we can hold object in hand due to static friction, brake of vehicles work due to friction, hence we can reduce speed or stop vehicles, climbing on a tree is possible due to friction. Disadvantages of friction, friction opposes motion, friction reduces heat in different parts of machines and provides noise. The automobile engines consume more fuel due to friction. ओके ये सब मालूम है आपको. फ्रिक्शन इसलिए रिड्यूस करने के लिए हम लोग ग्रीस और ये सब लगाते हैं, ऑयल लगाते हैं जिससे फ्रिक्शन कम हो. फ्रिक्शन होना तो बहुत जरूरी है लेकिन ज्यादा होना भी खराब है. ज्यादा होने से घस जाते हैं सब, वेयर एंड टेयर ऑफ टायर्स वगैरह जो होते हैं अल्टीमेटली ड्यू टू फ्रिक्शन. ओके नंबर 100 वाला क्वेश्चन लिखो और जगह छोड़ो. स्टेट एनी, क्या लिखा है क्वेश्चन? क्वेश्चन क्या बताओ जीतू. So, state any four methods to reduce friction. और उसने बहुत छोटे में लिख दिया चार मेथड, बताओ क्या लिखा है चारों आंसर. फ्रिक्शन के पास लिखो नंबर वन, ग्रीस के पास लिखो नंबर टू और बॉल बेयरिंग के पास लिखो नंबर चार. तो ये फोर मेथड्स हैं, चार मेथड है. अगर आप रफ सरफेस के बदले पॉलिश सरफेस लोगे तो फ्रिक्शन ज्यादा होगा या कम? सरफेस को थोड़ा पॉलिश करके यूज करोगे तो बोलो बोलो क्या कम? तो फ्रिक्शन कम हो जाएगा. और ल्यूब्रिकेंट्स लगा देंगे तो ल्यूब्रिकेंट्स थोड़ा ऑयल या ऑयल ये ल्यूब्रिकेंट में ऑयल और ग्रीस और ऑयल पता नहीं क्या डिफरेंस है. तो ल्यूब्रिकेंट और ग्रीस दोनों एक ही बात है लेकिन उन्होंने अलग अलग मेथड लिखा है. हमेशा उसको उसके कारण भी कम हो जाता है. नंबर चार बॉल बेयरिंग्स. बॉल बेयरिंग्स यू नो छोटे-छोटे बॉल्स रहते हैं और उसके ऊपर मस्त स्लाइड होती है. अपने विंडोज देखी होगी स्लाइड होते हैं, नीचे बॉल बेयरिंग रहती है छोटी छोटी, तो उसके ऊपर चलते हुए मतलब रोल करती करते हैं. तो ये सब आइडिया से फ्रिक्शन रिड्यूस करते हैं. अब है ना मैं आपको कुछ प्रॉब्लम की टेक्निक बताता हूँ कि इसकी प्रॉब्लम कैसन करने हैं, कैसन करने हैं. इसके बाद तुरंत ले लेंगे लेक्चर, 5 मिनट का ब्रेक है, 3-4 मिनट में वापस आएंगे हम लोग लेक्चर खत्म होने के बाद. सो दैट सेम लिंक सेम थिंग यू विल यूज. अच्छा मुझे एक बात बताओ बेटा, एक बात बताओ बहुत इंटरेस्टिंग है ये फैक्ट बता रहा हूँ तुम्हें. एक था ब्लॉक, इसके ऊपर मैंने 5 न्यूटन फोर्स लगाया, ब्लॉक मूव नहीं होता था. ब्लॉक मूव नहीं होता था, फ्रिक्शन कितना? ब्लॉक मूव नहीं होता था, फ्रिक्शन है कि फ्रिक्शन इज जीरो या फ्रिक्शन है? सर 5 न्यूटन. दैट्स राइट, फ्रिक्शन इक्वल टू 5 न्यूटन. इसको मैंने 15 न्यूटन किया, इट वाज नॉट मूविंग, सो इट इज 15 न्यूटन. देन इसको मैंने 25 न्यूटन किया, इट इज जस्ट ऑन द सर्ज ऑफ स्लाइडिंग. 25 न्यूटन में ना थोड़ा ऐसा लगा हलचल होने वाली है, तो इसको क्या क्या फर्क पड़ेगा अभी? इधर क्या लिखो? तो फ्रिक्शन विल बी मैक्सिमम. हां लेकिन क्या लिखो? एफ मैक्स. एफ मैक्स या स्टैटिक लिमिटिंग स्टैटिक फ्रिक्शन, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन. अगर इसको 26 न्यूटन किया तो क्या होगा बताओ? बताओ क्या होगा? बॉडी विल स्टार्ट मूविंग. बॉडी विल स्टार्ट मूविंग. एंड रिमेंबर नॉर्मल रिएक्शन का जो वेट होता है ना, अगर बॉडी हॉरिजॉन्टल सर्फेस पे है तो नॉर्मल रिएक्शन इक्वल टू वेट. एंड टेल मी व्हाट इज फ्रिक्शन का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन?